तो बच्चों अब करेंगे हम नाइन्थ क्वेश्चन, और काफ़ी इजी है ये भी। पहले मैं इसके ग्राफ, इसको पहले सॉल्व करता हूँ, इसके एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ दोनों के, उसको प्लॉट करता हूँ ग्राफ पेपर पे, और फिर कह रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे भी वो कट करेंगे वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे लिखना है। और कह रहा है कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन्स ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो लाइन बनेगी उसका ट्राइंगल फॉर्म करना है, ठीक है, ट्राइंगल बनाना है मुझे, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो देखो पहले तो मैं, ये तो बात की बात है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसके तीन कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और इसके भी एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ, उसको प्लॉट करता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है ना। तो पहले मैं इसको काम करते हैं, पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ, तो मैं इसको अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x इक्वल्स टू, बच्चों ये माइनस ए भी माइनस है, दोनों इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, वाई प्लस टू एक्स हो जाएगा वाई प्लस टू अपॉन थ्री। अब देखो मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ, अब यहाँ पे मैं क्या रखूँ, मैं यहाँ पे क्या रखा जाए, वाई क्या रखूँ कि एक्स क्या आ जाए। देखो वाई पे मैं, अगर मैं यहाँ पे वाई पे वन रखता हूँ तो एक्स आ जाएगा थ्री अपॉन थ्री, ये भी वन आएगा। अगर मैं वाई रखता हूँ वन तो एक्स भी आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा वन। अब मैं यहाँ पे वाई पे क्या रखूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं फोर रखता हूँ तो ये सिक्स हो जाएगा, तो वाई अगर मैं फोर रखता हूँ तो ये सिक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिक्स बाई थ्री विच इज़ टू। अब मैं यहाँ पे ऐसा कुछ रखता हूँ कि ये पूरा पूरा कट जाए, तो देखो वाई में रखता हूँ, वाई में रखा जाए, मैंने अभी क्या रखा था फोर, तो ये फोर फाइव सिक्स हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेवन रखता हूँ, तो सेवन अगर मैंने यहाँ पे रखा, सेवन एट नाइन हो गया, नाइन अपॉन थ्री हो जाएगा थ्री। तो देखो ये हो गया मेरा सॉल्व, यहाँ पर एक तो हो गया है, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा टू एक्स इक्वल्स टू, ये एट नेगेटिव इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव एट, और ये वाई क्या है, एक काम करता हूँ मैं वाई को नहीं, मैं इस एक्स को इधर फेंक देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो वाई हो जाएगा बच्चों मेरे पे एट माइनस टू एक्स, कितना हो जाएगा एट माइनस टू एक्स। अब बस अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स और वाई, मैं वाई को यहाँ पे, मैं एक्स को यहाँ पे क्या रखूँ कि वाई क्या आ जाए, तो वाई को एक्स को मैं रखता हूँ जीरो, तो वाई आ जाएगा मेरे पे एट, फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ एक्स को रखता हूँ वन, तो वाई आ जाएगा मेरे पे कितना बच्चों, ये हो जाएगा छः, एक्स को रखता हूँ मैं यहाँ पे अभी टू, तो वाई आ जाएगा मेरे पे फोर। तो देखो फोर एट माइनस फोर हो जाएगा टू, टू जा फोर हो जाएगा, और एट माइनस फोर फोर। तो देखो ये मेरे पे आ गए हैं कोऑर्डिनेट्स, अब मैं इसको ग्राफ पेपर पे सेट करता हूँ। तो देखो बच्चों अब मैं इसको सेट करने वाला हूँ, एक्स है वन वाई है वन, तो एक्स यहाँ पे वन होगा, ये वन है, वाई भी यहाँ पे वन है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, देखो मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो ये वन है, ये भी वन है, तो ये हो जाएगा वन कॉमा वन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट है पे टू कॉमा फोर, तो देखो एक्स एक्सिस में है टू, यहाँ पे ये टू है वन और टू, और वाई एक्सिस में फोर, वन टू थ्री फोर, तो देखो ये वाला और ये वाला, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे खींचूँ, और यहाँ से मैं इसको कैसे, तो ये वाला जो पॉइंट है देखो, ये वाला पॉइंट, ये बच्चों मेरे पे हो गया है टू कॉमा फोर, तो ये टू कॉमा फोर हो चुका है। अब देखो थ्री कॉमा सेवन चाहिए मुझे, थ्री कॉमा सेवन, तो यहाँ पे थ्री कहाँ पर है, देखो वन टू थ्री, और सेवन कहाँ पे है, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो देखो ये और ये, तो यहाँ से मैं इसको पूरा आगे लेकर आता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ, तो देखो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है मेरे पे, ये हो जाएगा बच्चों थ्री कॉमा सेवन। तो देखो मैंने यहाँ पर ये प्लॉट कर दिया है, मैं इसकी स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ, फिर दूसरा वाला भी प्लॉट करूँगा मैं इसको, तो देखो पहले मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, इसको मैं लाइन खींच देता हूँ स्ट्रेट लाइन, है ना, ठीक है जी। तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींच चुकी है, तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच दी है। अब मैं सेकंड वाले को प्लॉट करता हूँ, 0.8, तो यहाँ पर देखो 0.8 वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में है, देखो 0 वाई एक्सिस में है 8, तो देखो यहाँ से मैं काउंट करता हूँ 8 का है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ पे है देखो बच्चों 0.8, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.8, फिर एक्स एक्सिस में है वन और वाई एक्सिस में है सिक्स, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे है वन, एक्स एक्सिस है वन और वाई एक्सिस में है कितना बच्चों सिक्स, तो देखो एक्स में है वन और वाई में है सिक्स, तो मैं यहाँ से गिनती करता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो देखो ये है मेरे पे बच्चों सिक्स, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मैं अगर खींचता हूँ, तो देखो ये वाला पॉइंट जो है ये है वन कॉमा सिक्स, तो देखो वन कॉमा सिक्स भी मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अब दूसरा है टू कॉमा फोर,
यहाँ पे 2 है बच्चों और यहाँ पे 4 है। ये पहले से ही देखो यहाँ पर पहले से ही प्लॉट है 2,4, तो ये 2,4 पहले से ही प्लॉट है। अब देखो मैं इसको इसको मैं अब स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ। तो देखो मैं यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, सो यू विल गेट, देखो ये मेरे पे मैंने एक लाइन खींच ली है। ठीक है जी, ठीक है। तो बच्चों देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो सेकंड पार्ट आया है इसका, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है देखो कहाँ पे मीट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2,4 पे। तो देखो 2,4 इज माई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मुझे एरिया निकालना है किसका, इसका निकालना है जो एक्स एक्सिस पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब ध्यान से देखियो, मैं जूम इन करने वाला हूँ। अब देखो इसका पहले मैं बेस निकालता हूँ, यहाँ से मैं पूरा जूम इन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2। अब ध्यान से देखो ये पूरा नहीं है, ये बताओ कितना है। देखो यहाँ से यहाँ तक है 0.9 है ये, तो यहाँ से यहाँ तक 0.9 है और यहाँ पे जितना पॉइंट है ना ये 0.3 है। कितना? 0.3। तो देखो जो मेरा बेस आने वाला है वो बेस कितना होगा मैं बता देता हूँ आपको, 2 + 0.9 + 0.3, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 1.2, ये हो जाएगा 3.2 आ गया मेरा क्या, बेस बेस आ गया मेरा 3.2। और जो मेरी हाइट है देखो मैं हाइट बता देता हूँ आपको, हाइट कितनी है, हाइट तो बड़ा इजी है निकालना। देखो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4। तो हाइट तो मेरी 4 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं, हाइट में है मेरी 4 यूनिट्स। तो हाइट मेरी 4 यूनिट्स है और बेस है मेरा 3.2 यूनिट। तो बस एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ नेक्स्ट वाले पेज पे। चलो मैं इसी इसी ग्राफ में ही सेव करता हूँ क्योंकि वैसे भी ये ग्राफ तो अभी यूज़ होने वाला है नहीं। तो देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर मैं इसको करता हूँ तो बच्चों ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस है मेरा 3.2 और हाइट है मेरे बच्चों 4। पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, ये काट दूंगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 24, 2 4 1 जा 4 5 64, 64/10 पॉइंट हटाया, तो ये नियर बाय आएगा आंसर आपका 6.4 स्क्वायर यूनिट्स, नियर नियर बार आएगा, ठीक है। ये इसके लगभग लगभग इसके पास पास आएगा, 6.4 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था, ये हमारा 9th क्वेश्चन था, मैं इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं।